तुम्हें उन्हें और जोर से हिलाना होगा। शायद इतनी जोर से भी नहीं। उड़ते हुए अच्छी लग रही हो प्रिंसेस ट्वाइलाइट। एप्पल जैक, तुम्हें मुझे ऐसे बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने पहले ही अपना क्राउन पहनने से मना कर दिया है। कम से कम तुम नई टाइटल को स्वीकार तो कर ही सकती हो। बाकी पोनीज मुझे प्रिंसेस कहकर बुलाना चाहे तो ठीक है, वो बुला सकती हैं, लेकिन मेरी दोस्त नहीं। मुझे ये सब अजीब लगता है। हाँ, और ये उड़ना भी अजीब लगता है। समर्स एंड सेलिब्रेशन में बस 2 ही दिन बाकी है और मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। अपना सारा वक्त नीचे बिताओगी तो तैयार हो भी नहीं पाओगी। अब यहाँ ऊपर आओ और सबको अपनी शानदार फिनिश दिखाओ। बहुत अच्छी लग रही हो डार्लिंग। उन्होंने तुम्हारी शाही अंदाज को बखूबी कैप्चर किया है। हाँ शायद। ओ इतनी भोली भी मत बनो, ये तो हर पोनी का ख्वाब होता है कि किसी दिन उसे भी क्राउन पहनने का मौका मिले और उसकी भी कॉर्नेशन सेरेमनी हो। मुझे नहीं लगता कि यह हर पोनी का ख्वाब होता है। मेरी ड्रीम तो क्रीम के बारे में होते है। हमें चलना चाहिए वरना ट्रेन छूट जाएगी। फ्लटरशाई सही कह रही है। तुम सबका तो पता नहीं, मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। भले ही ऑफिशियल सेलिब्रेशन यहाँ कैंटलॉट में हो रहा हो, पर हूवी में मेयर ने एक शानदार पार्टी का इंतजाम करने की जिम्मेदारी हम पे सौंपी है। ओ तुम इतनी उदास मत हो शुगर क्यूब। तुम बाकी सब प्रिंसेस के साथ वहाँ होगी जब सेलेस्टिया आसमान में सूरज को लाएगी। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सच कह रही हूँ। बस वो क्या है ना कि समर्स एंड सेलिब्रेशन की वजह से हम पहली बार मिले थे और ये सोचकर ठीक नहीं लग रहा कि ये खास दिन मैं अपने पोनीवेल के दोस्तों के साथ नहीं बिताऊंगी। हमें भी ये ठीक नहीं लग रहा डार्लिंग। अगर मेयर को हमारी मदद की जरूरत नहीं होती तो हम जरूर तुम्हारे साथ यहीं पर रुक जाते। और बेशक हम समझते हैं कि तुम्हारी शाही जिम्मेदारियां सबसे पहले हैं। समर सन सेलिब्रेशन जरूर हमें एक साथ लाई है, पर उससे भी बड़ी एक चीज है जो हमें हमेशा एक साथ बांधे रखेगी। एग्जिबिट ए, हम 6 एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी की मदद से एक साथ है। बड़ी से बड़ी शाही जिम्मेदारी भी इसे बदल नहीं सकती। है ना पोनीज? हाँ। है ना पिंगी पाई? क्रीमी क्रीमी फ्रॉस्टिंग। उसका मतलब है हाँ। हम तुम्हें खत लिखेंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम हमारे साथ पोनीविल में ही हो, है ना गर्ल्स? और सेलिब्रेशन के बाद तो तुम हमसे मिलोगी ही। तुम्हारे आने पर हम बात करेंगे कि तुम्हारे घर में क्या शाही अपग्रेड किए जाने चाहिए। मेरा मन नहीं लग रहा स्पाइक। उन्हें गए बस 1 ही मिनट हुआ है और मैं अभी से उन्हें मिस भी करने लगी। प्रिंसेस के लिए। प्यारी ट्वाइलाइट, तुम कुछ नहीं मिस कर रही हो, तुम्हारी दोस्त पिंकी पाई। वो मैं हूँ। पर मैं मिस कर रही हूँ और वो भी बहुत ज्यादा। चेक 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 एंड चेक। हाँ, पता है हम शेड्यूल से आगे चल रहे हैं। इसकी वजह है तुम्हारा होशियार असिस्टेंट। मैं भी। जश्न परसों से पहले शुरू नहीं होने वाला। हम जल्दी से पोनीविल का एक चक्कर मार कर आ सकते हैं और उसके बाद भी हमारे पास इवेंट की तैयारी करने के लिए काफी वक्त बचेगा। ये बहुत अच्छा होगा स्पाइक, पर हमारे जाने के बाद कुछ और काम आ गया तो? किसी वजह से हमें आने में देरी हो गई तो मैं इसका सारा काम खत्म कैसे करूंगी? अगर पोनीविल के रास्ते में लिस्ट खो गई तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से काम हो गए और कौन से काम बाकी हैं? और फिर हमें कितना वक्त लग जाएगा ये पता करने में कि कौन सा काम हमने कर लिया है और वो कौन सा जरूरी काम बाकी रह गया जिसकी वजह से पूरा सेलिब्रेशन बर्बाद हो गया। तो हम नहीं जा रहे हैं ना? ये मेरी पहली शाही ड्यूटी है जो प्रिंसेस सेलेस्टिया ने मुझे दी है।
मैं उन्हें निराश करने का खतरा नहीं ले सकती। और मुझे यकीन है तुम ऐसा नहीं होने दोगी। योर हाइनेस, अब इसकी जरूरत नहीं है प्रिंसेस ट्वाइलाइट। माफ कीजिएगा। माफी की कोई बात नहीं है। सॉरी। तुम्हें एक बात बता दूं कि इस बार मुझे समर सन सेलिब्रेशन का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। मैं समझी नहीं। बाकी सबके लिए तो ये वो दिन है जब मैंने नाइटमेयर वून को हराया था, पर मेरे लिए ये एक दुखद याद है कि मुझे अपनी ही बहन को कैद करना पड़ा था। मैंने आज से पहले कभी इस तरह नहीं सोचा था, पर अब ये दिन उसके वापस प्रिंसेस लूना में बदलने और हम दोनों के वापस से मिलने की एक अच्छी याद बन गया है। मैं बहुत खुश हूँ। हम सबके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि तुम इस त्योहार का हिस्सा बनोगी। जानती हूँ कि अपनी दोस्तों को पोनीविल जाते हुए देखना तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा। हाँ, थोड़ा सा। भले ही तुम अब मेरी स्टूडेंट नहीं रही प्रिंसेस ट्वाइलाइट, पर याद रखना जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक वैसे ही जैसे मेरी जरूरत के वक्त तुम मेरे साथ रहोगी। मेरे ख्याल से इसे कुछ कहना है। प्रिंसेस ट्वाइलाइट के लिए एक मैसेज है। शायद पोनीविल से होगा, है ना? जाने दीजिए, ये जरूरी नहीं है। स्पाइक, हम कहाँ थे? बस सोने जा रहे थे। शायद हमें चेकलिस्ट को एक बार फिर से देख लेना चाहिए, है ना? मुझे पता था तुम यही कहोगी। अब मुझे चलना चाहिए। चेक 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 चेक। स्पाइक, टाइम क्या हुआ है? आधी रात हुई है या शायद सुबह हो गई है, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। वाओ, अजीब बात है। कम ऑन स्पाइक, हमें पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? प्रिंसेस ट्वाइलाइट को मालूम होगा। बताइए। योर हाइनेस, आपको हमारे साथ आना होगा। दरअसल ये प्रिंसेस लूना और प्रिंसेस सेलेस्टिया के बारे में है। वो मिल नहीं रही हैं। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो गई कहाँ? हम नहीं जानते। ऐसा लग रहा है कि प्रिंसेस लूना और प्रिंसेस सेलेस्टिया बस कहीं गायब हो गई हैं। गायब है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। हम आपके हुक्म के इंतजार में हैं। मेरा हुक्म? हम रॉयल गार्ड्स के ऑफिसर्स हैं। हम शाही लोगों के आदेश पे काम करते हैं। प्रिंसेस लूना और प्रिंसेस सेलेस्टिया तो यहाँ है नहीं, और प्रिंसेस केडेंस क्रिस्टल एम्पायर संभाल रही हैं। इसका मतलब है हम अब से आपका आदेश मानेंगे। प्रिंसेस ट्रॉट, हम बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। हम जानना चाहते हैं कि आपका आदेश क्या है। मैं चाहती हूँ कि तुम प्रिंसेस लूना और प्रिंसेस सेलेस्टिया की तलाश जारी रखो। इससे पहले कि पोनीज घबरा जाएं, हमें उन्हें ढूंढना है। जरूर कोई सुराग होगा जो हमें ये बता दे कि उन्हें क्या हुआ। अगर तुम्हें कुछ मिले, कुछ भी, मुझे जल्दी से इत्तला कर देना। तुम बहुत अच्छा कर रही हो ट्वाइलाइट। योर हाइनेस, पोनीविल से खबर आई है। एवरफ्री फॉरेस्ट लगता है कि हमें चारों तरफ से घेर रहा है। Excuse me. Oh, माफ कीजिए, क्या तुम ठीक हो? My goodness, ऐसा क्या हुआ जिससे तुम लोग इतने परेशान हो? खैर जो कुछ भी हो, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तुम सही थे, तुम्हें चिंता करनी चाहिए, बहुत चिंता करनी चाहिए। कम ऑन दोस्तों, पूरा जोर लगा दो। नो। धत तेरे की, पहले तो कभी हमारे यहाँ इतने जंगली पौधे नहीं होंगे।
और अगर मैं सही हूँ तो मैंने भी ऐसे जंगली पौधे पहले कभी नहीं देखे। क्या आप लोगों ने देखे हैं? No. मुझे समझ नहीं आता ये चीजें आखिर यहाँ कहाँ से रही है और ये आसमान में हो क्या रहा है। ओ नहीं, ये है पोनीविल और हम समर सन सेलिब्रेशन खत्म होने तक बारिश के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तुम एवरफ्री क्लाउड्स जहाँ से आए हो वही वापस चले जाओ। ओ, ओ। अच्छा बच्चू, तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ, अरे आसमान में कुछ अजीब सा हो रहा है। कार्मेन कैमोमाइल के नाम पर ये क्या हो रहा है? ओपलेसेंस डार्लिंग, मुझे माफ कर देना, सच में मैं ये जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। ये मैंने नहीं किया, कसम से। स्वीटी बेल, अगर ये तुम्हारी और तुम्हारे क्रुसेडर्स की कोई शरारत है तो ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। एवरफ्री फॉरेस्ट फैलता जा रहा है, ये जिस भी वजह से हो रहा हो, पर मुझे यकीन है इसे रोकने के लिए हमें अपने दोस्तों और एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी की जरूरत होगी। उम्मीद है ट्रेन अब तक निकली ना हो। ट्वाइलाइट, हमारे पास पोनीवेल जाने का एक और रास्ता है, याद है ना? ऐसा है? तुम उड़ सकती हो। ओह, सही कहा। वो, वो। तो बहुत ही अजीब हो रहा है। मुझे इसकी वजह हर हाल में पता लगानी होगी। मैं बस ये जानती हूँ कि आसमान दो हिस्सों में बट गया है और ये जो बादल हैं वो यहाँ के तो नहीं लग रहे और ना ही ये सारे जंगली पौधे। ये एवरफ्री फॉरेस्ट से आ रहे हैं और हम अर्थ पोनी चाहे जितनी भी कोशिश क्यों न करें इनसे छुटकारा नहीं पा सकते। क्या तुम्हें कोई जादू आता है जिनकी मदद से हम इन्हें रोक सके? नहीं, इस जंगली मुसीबत की वजह से मेरा सीन भी किसी काम का नहीं रहा। हमें कुछ तो करना ही होगा। मैं नहीं जानती पोनीवेल और कितनी देर इस मुसीबत को झेलेगा। मैं खुद भी इसे झेल नहीं पाऊंगी। जंगल फैल रहा है दोस्तों और जिस रफ्तार से ये फैल रहे हैं जल्द ही ये पूरे पोनीविल को अपनी चपेट में ले लेंगे। मुझे तो लगता है कि जल्द ही ये आधे इक्वेस्ट्रिया को अपनी चपेट में ले लेंगे। मुझे तो लग रहा है कि हमें ट्रेन ही लेनी चाहिए थी। बस पहुंच गए। कम ऑन स्पाइक, हमें एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी लेकर बाकी सबको ढूंढना है। संभल के! ओह, शुक्र है। वैसे तो हम बिना परमिशन के तुम्हारी किताबों को हाथ भी नहीं लगाते। ओह सुंदर जमीन, प्यारी प्यारी जमीन, तुम्हें बहुत मिस किया। ठीक है, मैं समझ गई, मुझे अपनी उड़ान को सुधारना है। पता नहीं तुमने ध्यान दिया या नहीं पर एवरफ्री फॉरेस्ट थोड़ा काबू से बाहर हो गया है। ऐसा लगता है कि तुम पोनीविल को कुछ ज्यादा ही मिस कर रही थी। शायद तुम्हें पहले से मालूम हो कि इस मुसीबत के पीछे की वजह कौन है। क्या प्रिंसेस सेलेस्टिया ने तुम्हें इससे निपटने के लिए भेजा है? नहीं, दरअसल वो क्या है ना कि प्रिंसेस सेलेस्टिया जो है वो वेल, वो और प्रिंसेस लूना दोनों की दोनों वो गायब है। हाँ?
मैं नहीं जानती इसके लिए कौन जिम्मेदार है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें वापस लाने के लिए हमें एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी की जरूरत है। अरे वाह, बिल्कुल पहले की तरह। क्या बात है, मैंने कहा था ना एलिमेंट्स हमें हमेशा आपस में जोड़े रखेंगे। अब हमें बस पता लगाना है कि हमारे निशाने पे कौन होगा, ताकि हम सेलेस्टिया और लूना को वापस ला सके इससे पहले कि पूरा इक्वेस्ट्रिया पेड़ों का खाना बन जाए। कोई आइडिया? मैंने जितनी भी किताबें देखी उसमें से किसी में कुछ भी नहीं मिला। उपसी, मैंने एक जगह मिस कर दी। आधा दिन आधी रात, अजीब सा मौसम, बेकाबू जंगल। मेरे ख्याल से मैं ये बात जानती हूँ कि हमारा मुकाबला किससे है। विंटर रैप अप, विंटर रैप अप। देखो ट्वाइलाइट, प्रिंसेस सेलेस्टिया, मुझे बुलाने वाला जादू तुम्हें देते वक्त मैंने कहा था कि पहले मुझे थोड़ा सा वक्त देना। क्यों? लेकिन शायद तुमने ध्यान नहीं दिया कि मैं इस वक्त बहुत ही खास शावर ले रहा था। बहुत हो गया, अब प्रिंसेस सेलेस्टिया और प्रिंसेस लूना को आजाद कर दो और एवर फ्री फॉरेस्ट को बढ़ने से रोको। आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? हमारे साथ ज्यादा चालाकी मत करो डिस्कॉर्ड, हम जानते हैं कि इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे ये नज़ारा बहुत ज्यादा पसंद आया, लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं ले सकता। मैं बदल गया हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है? अच्छी तरह याद है, पर इस पूरे कारनामे से तुम्हारी ही बू आ रही है। मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मेरे पास सिर्फ एक ही पैर है। इतना संगीन इल्जाम, और मैं सोच रहा था कि हम दोस्त हैं। नौटंकी बंद करो, तुम पर हमारी नजर है। लेडीज लेडीज, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, क्या मैं तुमसे झूठ कहूँगा? हाँ, हो सकता है। अब क्या कहूँ, मुझे यकीन नहीं होता, मैं यहाँ सच कह रहा हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ऐसी हालत में हम जैसे अच्छे दोस्तों को क्या करना चाहिए प्रिंसेस ट्वाइलाइट? बाय द वे, आपके प्रमोशन के लिए बधाइयाँ, आप पूरी तरह इसके लायक हैं। मैं कहती हूँ हम इसे वापस पत्थर में बदल देते हैं। हाँ सही कहा, हाँ बिल्कुल। हे, हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर वो सच कह रहा हो तो। वेल, आखिरकार कोई पोनी तो है जो मेरी बात सुनने को तैयार है। तुम सब दोस्ती के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो मेरी प्यारी दोस्त शटरफ्लाई से। मेरा नाम फ्लटरशाय है। ओह हाँ, जो भी हो, अगर तुम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो तो जो है उसका पता लगाने में मदद करो। मैं जरूर करता, मगर मुझ पर उंगलियाँ उठाने और मेरा नाम खराब करने के बाद पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। तुम अपने उस ज़ेब्रा दोस्त से क्यों नहीं पूछती, शायद उसे कुछ पता हो। ज़ेकोरा, मेरे घर से पड़ा मुझे निकलना नहीं रह सकती जंगल में जो हो गया बेहद घना। क्या तुम्हें पता है ये सब क्यों हो रहा है? माफ़ कीजिएगा, पर मेरे लिए भी ये एक राज है, मगर मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे अगर एक जादू के साथ मिलाएं तो, हालांकि मैं इसका इस्तेमाल खुद नहीं कर सकती, इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। ये चलती है सिर्फ एलिकॉर्न मैजिक से। प्रिंसेस ट्वाइलाइट, आप इस पोशन को बैंगनी से सफेद में बदल सकती हैं। इसका एक घूंट पीते ही आप समझ जाएंगी कि दिन क्यों होता है और क्यों होती है रात। शायद ये काम नहीं कर रहा है। मैं कहाँ हूँ? एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। प्रिंसेस लूना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम कहाँ हैं? आप और सेलेस्टिया गायब कैसे हो गई थी?
तुम्हें क्या लगा था कि मैं ऐसी ही चुपचाप बैठी रहूंगी जब सब लोग तुम्हारी अद्भुत रोशनी में नहा रहे होंगे? अद्भुत रोशनी? इक्विस्ट्रिया में सिर्फ एक ही हो सकती है और वो प्रिंसेस होंगी मैं।